नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि भाई ने आज ये रेड रिबन क्यों यूज़ किया या फिर क्यों वियर किया। दोस्तों, आज है 1 दिसंबर और यानी कि वर्ल्ड एड्स डे। वर्ल्ड एड्स डे की शुरुआत हुई थी 1988 में, 1 दिसंबर 1988 में जो ग्लोबल हेल्थ कैंपेन है उसका फर्स्ट एवर ग्लोबल हेल्थ कैंप था, वो है एड्स डे। सो वर्ल्ड एड्स डे एक फर्स्ट एवर ग्लोबल हेल्थ प्रोग्राम है जो WHO के द्वारा माध्यम से सेलिब्रेट किया जाता है। तो वर्ल्ड एड्स डे एवरी हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसका रीज़न है कि जो भी लोग एड्स से या फिर HIV इन्फेक्शन से जूझ रहे हैं या फिर उनको डिसीज़ ऑकर हुआ है, उन लोगों को सपोर्ट दिखाने के लिए ये वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट होता है। क्वेश्चन आता है, वर्ल्ड एड्स डे क्यों सेलिब्रेट किया जाए? वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट करने के पीछे जो बड़ा रीज़न होगा या फिर बड़ा रीज़न है वो है, इस अवसर पे हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो भी हमारे भाई बहन या फिर जो भी लोग हैं पूरे दुनिया भर के लोग जो एड्स से सफ़र कर रहे हैं और जिनको HIV इन्फेक्शन हुआ है या फिर जो HIV इन्फेक्शन के कारण जिसकी डेथ भी हुई है, उनको कोमेमोरेट करने में की अपॉर्चुनिटी हमें ये मिलती है और इससे हम ये दिखा रहे हैं अपना सपोर्ट उन सारे लोगों के लिए। तो दोस्तों, 1 दिसंबर 2018 ये जो वर्ल्ड हेल्थ डे है, ये है 30th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे, यानी कि 30 साल पहले 1988 में जो एड्स डे सेलिब्रेट करना शुरू होता, तो आज उसको 30 साल हुए हैं। तो हर साल इसके एक थीम रहते हैं और इस साल भी एक थीम है। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, एड्स डे के दिन हर इंसान या फिर जो भी हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं या फिर सेलिब्रिटी लोग, वो रेड रिबन इस तरह की यूज़ करते हैं या फिर वियर करते हैं। तो ये रेड रिबन का मतलब क्या है? रेड रिबन सिंबलाइज करते हैं अवेयरनेस अबाउट द डिसीज़, अवेयरनेस अबाउट HIV इन्फेक्शन, अवेयरनेस अबाउट द फॉर द पीपल दोज आर सफरिंग फ्रॉम HIV एड्स, और वो प्रिवेंशन के लिए अवेयरनेस अबाउट प्रिवेंशन फ्रॉम दोज पीपल हु आर ड्रग अब्यूज एंड कंज्यूम ड्रग्स। तो ये सारे चीज़ों को सिंबलाइज करती है ये रेड रिबन, और उसी कारण रेड रिबन वियर करते हैं एड्स डे को अवेयरनेस दिखाने के लिए, और इस रेड रिबन को अवेयरनेस रिबन भी कहा जाता है। तो दोस्तों, बात करते हैं थीम के बारे में। थीम है नो योर स्टेटस, जो कॉम्प्लीमेंट करती है पिछले साल के थीम पे जो थी राइट टू हेल्थ, एवरीवन हैज़ द राइट टू हेल्थ। WHO का कहना है हर आदमी ग्लोबली हेल्दी होना चाहिए, उस चीज़ को उनके टैग को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने थीम रखी है नो योर स्टेटस, जो पिछले साल के थीम को कॉम्प्लीमेंट कर दिए हैं। दोस्तों, अभी एक और सवाल आता है, व्हाट इज़ एड्स या फिर व्हाट इज़ एड्स डे? एड्स डे हर साल 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, जिस अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाते हैं, जो भी लोग एड्स के बारे में नहीं जानते, HIV इन्फेक्शन के बारे में नहीं जानते, किस तरह से स्प्रेड होता है, उन लोगों को जानकारी देने के लिए, हेल्थ एजुकेशन देने के लिए बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट किए जाते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन थी एड्स डे के बारे में, लेकिन जो बीमारी है वो है HIV एड्स। HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडिफिशेंसी वायरस, एंड एड्स यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशेंसी सिंड्रोम। तो HIV वायरस के इन्फेक्शन के कारण एड्स डिसीज होता है। ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि एड्स सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स के कारण होता है। तो दोस्तों, एड्स होने के सिर्फ एक ही रीज़न नहीं है, उसके और भी रीज़न है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, फर्स्ट थिंग, अगर आप नीडल शेयर कर रहे हो जो इन्फेक्टेड पर्सन की हो, उसके कारण एड्स हो सकता है। सेकेंड थिंग, अगर आप ब्लड डोनेशन कर रहे हो या फिर आप ब्लड गेन कर रहे हो, अगर वो ब्लड किसी इन्फेक्टेड पर्सन का हो तो आपको चांसेस है एड्स होने के या फिर इन्फेक्शन होने के। मदर से अपने इन्फेंट चाइल्ड को वो एड्स डिसीज हो सकता है या फिर इन्फेक्शन हो सकता है। फोर्थ थिंग है अनसेफ, यानी कि अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो मल्टीपल सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये भी उसका रीज़न है। तो ये सारे चार मेन रीज़न है एड्स होने के। कुछ लोग जो एड्स से सफ़र होते हैं, उनके साथ जो कम्युनिटी है उनका व्यवहार होता है, वो उनके साथ बात नहीं करते, वो उनके साथ खाना नहीं खाते, वो उनके साथ कुछ भी शेयर नहीं करते, हग नहीं करते, टच नहीं करते। तो ये सारे मिसकंसेप्शंस है एड्स के बारे में। अगर आपके सराउंडिंग में ऐसे कोई इंसान है जो एड्स से सफ़र हो रहे हैं, तो उनसे कॉन्टैक्ट तोड़ देना या फिर उनसे बात ना करना, ये उसके ऊपर ये सरासर गलत चीज़ है। तो
अगर आप ऐसे इंसान से मिलते हो तो उनको लव शेयर करना, क्योंकि उनके लाइफ स्पैन हमें पता नहीं होते, तो उनको लव शेयर करना, उनको केयर देना, जितने भी दिन वो रहने वाले हैं इस लाइफ, जितने भी दिन उनका लाइफ स्पैन है, उस लाइफ स्पैन में उनको ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पीनेस देना, ये हमारी जिम्मेदारी है एज अ ह्यूमन। क्योंकि हर एक इंसान को हेल्थी रहने का राइट है, इसीलिए लास्ट ईयर का WHO का थीम था राइट टू हेल्थ। आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपका फ्रेंड या फिर कोई भी रिलेटिव या फिर आपके कोई भी सराउंडिंग में ऐसे कोई इंसान है जो एड्स से सफ़र कर रहे हैं, तो उनको आइसोलेट करना बिल्कुल भी गलत बात है। अगर आप उनको आइसोलेट करते हो, वो डिसीज से ज़्यादा आइसोलेशन के कारण वो डिप्रेशन में चले जा सकते हैं या फिर मेजर प्रॉब्लम हो सकता है। तो उनको आइसोलेट करना गलत है, वो करना बंद करना चाहिए, और उनको लव केयर देना इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो था वर्ल्ड एड्स डे के बारे में और अवेयरनेस अबाउट एड्स। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और इसी तरह अच्छे वीडियो अगर आपको देखने हो तो बेल आइकन पर क्लिक करके चैनल के अपडेट को ऑन कर दीजिए। अगर आपको HIV/AIDS के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो नीचे दिए गए हुए लिंक पे क्लिक कीजिए और वो वीडियो जरूर देखिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।